आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक CDS सेक्टर में मौजूद बहरिया इनक्लेव के 5 मरला कमर्शियल पे है। क्या आप किस तरह मिनिमम बजट में रहते हुए 5 मरले के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? फॉर कंप्लीट डिटेल्स प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राना फिजान इशफाक फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर डिफरेंट सोसाइटीज़ की अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान, जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं आपको उनके बारे में एक्टिव रखा जाता है। आज हम डिस्कशन करेंगे बहरिया इनक्लेव के बारे में, जो कि मलिक रियाज साहब का प्रोजेक्ट है, जो बहरिया टाउन के ओनर हैं। CDS सेक्टर में मौजूद अगर इस सोसाइटी की लोकेशन की बात करें हम, तो अगर आप पार्क रोड से कुरी रोड पर आते हैं तो 5 से 6 मिनट की ड्राइव पर आप इजीली बहरिया इनक्लेव को एक्सेस कर सकते हैं। इसके सराउंडिंग में पार्क व्यू सिटी, इस्लामाबाद मॉडल टाउन और ग्रीन इनक्लेव जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स लोकेट करते हैं। इन शॉर्ट, एक प्रीमियम लोकेशन पर, एक मैच्योर एरिया में और हिली माउंटेन्स के सराउंडिंग में आपकी ये सोसाइटी लोकेट करती है। अब हम बात करते हैं इसके 5 मरला कमर्शियल के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता जाऊँ, कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट है उसको ही ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद आप कोई भी सोसाइटी ले लें, एनी सोसाइटी इन पाकिस्तान, वहाँ पर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। मिसाल के तौर पर 80% रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे तो 20% कमर्शियल प्लॉट्स होंगे, जिसकी वजह से उनकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, एक सोसाइटी में रहते हुए वहाँ के लोगों की कोशिश होती है कि उन्हें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें उन्हीं की बाउंड्री वाल में प्रोवाइड की जाएँ। उनकी जो ज़रूरियात हैं उसमें मार्ट्स आ जाते हैं, बैंक बिल्डिंग्स आ जाती हैं, उसके अलावा जिम्स आ जाते हैं, फार्मेसीज आ जाती हैं और डिफरेंट ब्रांड्स, जो कपड़ों या जूतों के डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो आ जाते हैं। और बहरिया इनक्लेव जैसे इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो भी लग्जरी होता है, और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कमर्शियल जोन्स में ही मिल सकती हैं, क्योंकि जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इस वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं और आप वहाँ से एक लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइफ टाइम इनकम जनरेट करने से मुराद, अगर आप वहाँ पर एक प्लॉट लेते हैं, वहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाकर उसे रेंट आउट कर देते हैं, वहाँ पर अपार्टमेंट्स बना लेते हैं, तो वहाँ से जो आने वाला रेंट है वो आपका लाइफ टाइम होता है और आपको वहाँ से आपका वो लाइफ टाइम इनकम सोर्स है। मिसाल के तौर पर आपने 3 से 4 लाख का एक कमर्शियल प्लॉट लिया है, वहाँ पर आप मंथली मिनिमम 3 से 4 लाख रुपया रेंट है जो वो ले सकते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप अगर खाली प्लॉट लेकर भी आप 6 से 7 माह के लिए होल्ड करते हैं तो आपकी जो प्राइस है वो मंथ्स में इंक्रीज़ करती है और मंथ्स में आप मिलियंस में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आबादी ज़्यादा होती है, रेजिडेंस ज़्यादा होने की वजह से, और कमर्शियल प्लॉट्स कम होते हैं, जिस वजह से जो पॉपुलेशन की बाइंग है वो ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट रेशियो भी उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। और बहरिया इनक्लेव में मौजूद अगर हम 5 मरला कमर्शियल की प्राइसिस की बात करें तो आप मिनिमम 2.5 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक प्लॉट खरीद सकते हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड सेक्टर, कि आपका प्लॉट किस सेक्टर में है और किस लोकेशन पर है। और बहरिया इनक्लेव जैसी सोसाइटी जिसके ओनर मलिक रियाज साहब हैं और इसके जो डेवलपर ग्रुप है वो हबीब रफीक ग्रुप है। हबीब रफीक ग्रुप पाकिस्तान का एक जाना माना वेल रिप्यूट ग्रुप है, जिसके और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं और वहाँ पर लोगों ने एक अच्छा बिज़नेस किया है, अच्छा प्रॉफिट लिया है, तो आपके लिए भी बहरिया इनक्लेव के इन कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ऐसी मैच्योर सोसाइटी आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए टोटली सिक्योर है। बहरिया इनक्लेव से रिलेटेड और पाकिस्तान में मौजूद किसी भी सोसाइटी के रिलेटेड, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों, वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए मेरा यही नंबर व्हाट्सएप और IMO पर भी अवेलेबल है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।